इसे कोई अधिकार नहीं हम ठाकुरों का अपमान करने का। ठाकुर मालक, हमें जे तो बताइए कि हमारे अधिकार आखिर है का। राधा कृष्ण की प्रेम कथा अगर कोई पंडित सुनाए तो वो पुण्य, लेकिन हम दिखाए तो वो पाप। कथा थोड़ी ना बदली है, कथा दिखाने वाले बदले हैं। तो ये भगवान का अपमान कैसे हो गया? राधा मैया भी तो एक स्त्री थी जिन्होंने जिंदगी भर एक ही को चाहा, जो आप में से कई औरतों ने किया। फिर ये पाप कैसे हो गया? हमारे लिए ये पाप नहीं है, हमारे लिए ये भजन था। एक कोशिश थी सम्मान पाने की, इज्जत से चार पैसे कमाकर अपने घर वालों का पेट भरने की। कौन सी परंपरा, कौन से रीति रिवाज की रक्षा कर रहे हैं आप? वो परंपरा जो हमें कछु अधिकार नहीं देती, लेकिन ठाकुर मालकों को पूरा अधिकार है कि राई जैसी पवित्र चीज को मंदिर से उठाकर अपनी हवेली के आंगन में करवा ले। किसी मोड़ी की साड़ ढकाई कर उसे उठा ले जाए। कैसा धर्म, कैसे रीति रिवाज है ये, जिसमें एक ठाकुराइन देवी अपने ठाकुर मालक के नाम का दिया जलाकर उनका इंतजार करती रहे और वही ठाकुर मालक दूसरों के घर में दिए बुझाते फिरे। एक कच्ची उम्र की मुड़ी गलती से किसी ठाकुर मालक के सामने छींक दे तो उसे सीधा उठाकर लाल दरवाजे वाली कोठरी में फेंक दिया जाता है। अरे ऐसी परंपरा का क्या अपमान करेंगे हम? इतनी बुरी तरह रोन दिया है उसे कि अपमान करने के लिए मान ही नहीं बचा इसमें। आप बकवास क्यों कर रहे हैं? अरे जी जी कहाँ बके जा रही है मोड़ी, अरे जाके रोक ना तो मरवाएगी हमारे सबको। जाना चुप हो जा बेटा, सारे ठाकुर मालक नाराज हो रहे हैं। आज बड़ी पड़ी है माई, निकल जाने दे सबको। चुप तो कहती है ना कि गलत का जवाब देना जरूरी है ताकि पलट कर कोई एमपी उंगली ना उठाए। गुलबिया जीजी देख लो, कहते थे ना मोड़ी को दबा के रखो, देखो अंजाम अब। मौसी तुमने आज तक दबकर का पा लिया? तुम्हारे ठाकुर मालक हर महीने तुम्हारी खटिया के लिए नई चादर तो भिजवा देते, लेकिन पिछले 3 सालों से तुम्हारी छत से जो हर बरसात में पानी टपकता है उसका कहा? उसके बारे में पूछा उन्होंने? तुम्हारी जरूरतें, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारे जीने मरने से कछु फर्क नहीं पड़ता उन्हें। कहीं की बारात का, डोली का, सात फेरों का, दुल्हन का तो सवाल है ही नहीं, सवाल है सिर्फ 3 हाथ लंबी एक ओढ़नी का। जाओगी तो तुम्हारी ओढ़नी किसी और को उड़ा देंगे, बस फिर सब ऐसा का वैसा। भगवान मानती हो ना इन्हें अपना, तो पूछो इनसे कि रात के अलावा इंसान तक कब समझा इन्होंने तुम्हें? तुम इनके लिए सिर्फ और सिर्फ गंदगी हो, वो गंदगी जिसे अपने आंगन में भी नहीं आने देंगे।
पर काहे से अपना भाग मानकर चुप रहती हूँ मौसी, काहे? अरे अरे कोई जीप काट लो इसकी, ठाकुर मालकों के बारे में कहाँ कहाँ बोले जा रही है। गलत हो तो जवान का है, गर्दन काट कर ले लो हमारी। लेकिन हम जानते कि हम गलत नहीं, तो काहे चुप रहे? काहे हर बात से पहले, हर खुशी से पहले, हर सपने से पहले, हर सांस लेने से पहले ये सोचना पड़ता है कि ठाकुर मालकों ने हमें अधिकार दिया या नहीं। बस करो जी तमाशा, बहुत बोल ली, एक शब्द और ना बोलेगी मुड़ी। हमको अकेले जो धरती घूमती दिख रही है कि तुमको भी? ठाकुर साहब वीडियो में ना सुना है कि किसी भेड़िया ने ठाकुरों के आगे जुबान खोलने की हिम्मत दिखाई हो? अरे इतिहास रचा इसने, इतिहास। अरे क्या आप एक लड़की की बात को? विक्रम सिंह ठाकुर, हमारी बात अब तक पूरी ना हुई है। बीच में बोलने का हक इतने के 18 गांव में से किसी ठाकुर को नहीं। कल महुआरी में पंचायत बैठाई जाएगी, तुम्हें अपने परिवार के साथ पंचायत का सामना करने आना होगा। पंचायत? अब तो मरा गुलाबिया जीजी का परिवार। ठाकुर मालकों का अपमान किया है तो ये तो होना ही था। ठाकुर बालक, ठाकुर बालक। अरे नहीं ठाकुर बालक, पंचायत नहीं, पंचायत नहीं ठाकुर बालक। हम मार मार के उसके बोलने की शक्ति छीन लेंगे, घर के अंदर बंद करके रख के खाना पीना बंद कर देंगे, और जब आप उसका चेहरा देखे ना तो जल समाधि ले लेंगे। पर बालक पंचायत नहीं बालक। जी जी, अरे जी जी कछु बोलना। इंसान को जुबान ईश्वर देता है, लेकिन उस जुबान से गाली निकले या श्लोक, ये उसके परिवार के संस्कारों पर टिका होता है, जो उसका परिवार सिखाता है। इसलिए सिर्फ मोड़ी नहीं भुगतेगी, पूरा परिवार भुगतेगा। कल पंचायत बैठेगी और अपना निर्णय सुनाएगी। इतनी सी बात पे पंचायत बैठेगी? यहाँ जितने भी ठाकुर उपस्थित हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा,
आप लोगों की इज्जत इतनी कच्ची है कि एक लड़की के पागलपन में उछालेगा एक कीचड़ से मैली हो जाएगी। इतनी छोटी बात के लिए पंचायत बुलाएंगे आप लोग, ये सही होगा? विक्रम सिंह ठाकुर, बात जब पूरे समाज के नींव पर उठा सवाल हो तो बात छोटी सी नहीं रहती। एक बेड़िया ने ठाकुरों को ललकारा है, बात ठाकुर समाज की प्रतिष्ठा की है, जवाब देना जरूरी है। कम से कम हम गांव वाले ठाकुरों के लिए जो अपने मान का मतलब समझते हैं। तुम शहरी हो, तुम्हारे लिए यह बात मायने नहीं रखती तो कल पंचायत में ना आना। जी जाओ,